वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो और कंटिन्यू करते हैं हमारी फॉलेसी की सीरीज़ को। 10 नंबर की जो हमारी फॉलेसी है वो है द फॉलेसी ऑफ नॉन सिक्वेटर। दिस फॉलेसी ऑकर्स व्हेन ए कंक्लूजन इज ड्रॉन आर्बिट्रेली विदाउट देयर बीइंग एनी जस्टिफिकेशन फॉर इट। तो ये जो फॉलेसी है इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें जो कंक्लूजन या निष्कर्ष होता है वो अपने द्वारा स्वेच्छा से बनाया हुआ होता है, उसका कोई जस्टिफिकेशन या मापदंड नहीं होता है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल बीजेपी मेंबर्स आर अपोज टू कांग्रेस पॉलिसीज। तो जो बीजेपी मेंबर्स होते हैं वो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं। देयर फोर ऑल दोज अपोज टू कांग्रेस पॉलिसीज आर बीजेपी मेंबर्स। इसलिए जो कोई भी बीजेपी की नीतियों का विरोध करता है वो कांग्रेस का मेंबर होना चाहिए या फिर कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए। तो ये जो कंक्लूजन है अपनी इच्छा से बनाया हुआ गया है, इसका कोई भी तुक नहीं निकलता है और यहाँ पे फॉलेसी ऑफ नॉन सिक्योटर है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए, जितने भी लोग बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ से होंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राजस्थानीज आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटेलिटी। तो जो राजस्थान के लोग हैं वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। और इसके आगे है सीमा इज़ नॉट फ्रॉम राजस्थान। सीमा जो है वो राजस्थान से नहीं है, देयर फॉर ही इज़ नॉन हॉस्पिटेबल। इसलिए जो सीमा है वो एक अच्छी मेहमान नवाज नहीं है। तो यहाँ भी जो कंक्लूजन है वो अपनी मर्जी से निकाला गया है और यहाँ पे भी फॉलिसी ऑफ नॉन सिक्वेटर है। नेक्स्ट पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑकर्स इन ए डायलॉग। ये जो पॉलिसी है एक डायलॉग के रूप में फॉर्म होती है। व्हेन द स्पीकर पजेस ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड द सेकंड स्पीकर अनकॉन्शियसली रेस्पॉन्ड विद येस और नो। इस पॉलिसी में क्या होता है, स्पीकर क्वेश्चन अपना रखता है और जो लिसनर है वो अनकॉन्शियसली बिना सोचे विचारे उसका रेस्पॉन्स दे देता है येस और नो में। एंड द फर्स्ट स्पीकर ड्रॉस ए फॉलेसियस इंटरफेरेंस दैट मे सीम अप्रोप्रिएट। तो यहाँ वक्ता के द्वारा दोषयुक्त अर्थ निकाला जाता है जो कि ठीक लगता है सुनने में। जैसे अगर उस क्वेश्चन का जवाब हाँ में दिया जाए तो भी पॉलिसी क्रिएट होती है और ना में दिया जाएगा तो भी पॉलिसी क्रिएट होती है। देखते हैं कैसे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है डू यू स्टिल बीट योर वाइफ। क्या तुम अपनी पत्नी को अब भी मारते हो। तो यहाँ अगर लिसनर इसका जवाब यस में देगा हाँ तो इसका मतलब वो मारता है, और अगर ना में देता है तो इसका मतलब पहले मारता था। तो पॉलिसी क्रिएट होती है और जो स्पीकर की बात है वो सही लगती है। नेक्स्ट एग्जांपल हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो ये एग्जांपल भी सेम ही है, क्या तुमने धूम्रपान करना छोड़ दिया। तो इसका अगर आंसर यस में दिया जाएगा तो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पॉलिसी होगी, और नो में दिया जाएगा तो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पॉलिसी होगी। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पॉलिसी में जाते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी है बैगिंग द क्वेश्चन और सरकम लोकेशन। इसे पेटिटो प्रिंसिपी भी बोला जाता है। एनी फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट वेयर द कंक्लूजन एज्यूम्ड इन वन ऑफ द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस बोलते हैं पूर्व पक्ष या पहले से सोचा विचारा गया। तो इसमें एक तर्क होता है या सेंटेंस जो होता है उसमें कंक्लूजन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ होता है या फिर पहले से ही सोचा हुआ होता है और उसी बात को वो घुमा फिरा के सिद्ध करना चाहता है। मैनी पीपल यूज द फ्रेज बैगिंग द क्वेश्चन। और इस फ्रेज को जनरली लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। इट मीन्स आर्गुइंग इन ए सर्कल। और इसका मतलब होता है एक घेरे के रूप में तर्क करना या फिर घुमा फिरा के अपनी बात को कहना। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शुड नॉट डू दिस एक्ट बिकॉज इट इज रॉन्ग। बट हाउ डू यू नो दैट द एक्ट इज रॉन्ग। वाई, बिकॉज आई नो दैट आई शुड नॉट डू इट। तो देखते हैं यहाँ पे अपनी बात को घुमा फिरा के कैसे कहा जा रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मुझे इस एक्ट को या कार्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। तो नेक्स्ट लाइन में पूछा जा रहा है कि लेकिन तुमने ये जाना कैसे कि ये कार्य गलत है। तो थर्ड लाइन में ये आंसर दिया जा रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ इस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अपनी ही बात को घुमा फिरा के कह दिया गया है, किसी को उस बात को सही से समझाया नहीं गया है, बस अपने निष्कर्ष को निकालने के लिए बात को घुमाया फिराया गया है। तो यहाँ बैगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. पीपल लाइक टू ईट बिकॉज वी आर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस टू ईट. तो यहाँ बोला गया है कि लोग भोजन करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो प्रभावित है खाने के लिए. इसका मतलब ये है जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है वो है भोजन, लेकिन इसीलिए लोग थोड़ा भोजन करते हैं. पसंद और नापसंद की बात तो अलग होती है. तो यहाँ पर भी अपनी बात को घुमा फिरा के कहा गया है और यहाँ पर बैगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी है. तो ये थी आज की पॉलिसी. आगे की पॉलिसी को हम नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.